ईशान ने सभी को कहा धोखेबाज। क्या आईएएस ऑफिसर बन पाएगी सभी? दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ रीवा से शादी तोड़ दी है ईशान ने, वहीं दूसरी तरफ सभी भी भाग गई है घर से अपने सपनों की तरफ। इसके बाद अब वो एडमिशन लेना चाहती है ईशान के कॉलेज में, कहती है कि वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है और अपने सपनों के लिए उसने अपनों को भी छोड़ दिया। ऐसे में ईशान कहते हैं कि अपनों को छोड़ने वाले धोखेबाज के लिए मेरे कॉलेज में कोई जगह नहीं है। लेकिन सभी भी ठान लेती है कि वो उसके कॉलेज में एडमिशन लेकर ही रहेगी और अपने सपनों को साकार करेगी। सभी यहाँ पर सई और विराट यानी कि अपने आई बाबा को भी याद कर रही है और कह रही है कि आज अगर वो होते तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, ज़बरदस्ती शादी के लिए कोई फोर्स भी नहीं करता। लेकिन अब देखना होगा क्या ईशान मान जाएगा सभी के एडमिशन के लिए, क्या कुछ होगा, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।